नाम तो सुना ही होगा, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। क्या ऐसे जेम्स बॉन्ड बोलता है? मुझे तो लगता नहीं है। जेम्स बोलता है, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। अक्सर हम इंडियंस कुछ तड़का लगा के कुछ भी प्रेजेंट करते हैं। ओरिजिनल जेम्स बॉन्ड मार्टिनी जो है उसको हम लोग हमेशा तड़का लगा के प्रेजेंट करते हैं। आप बार में जाओ, जाके जेम्स बॉन्ड मार्टिनी मांगो तो आपको कोई अलग अलग तरीके से आपको बना के देगा। कोई बना के देगा ऑलिव के साथ, कोई बना के देगा लेमन के साथ, कोई जेस के साथ, क्या क्या करेगा वो पता नहीं। मगर कभी हम लोग ओरिजिनल जेम्स बॉन्ड मार्टिनी बनाते ही नहीं है। अक्सर बार में ऐसा होता है, यानी हम इंडियन तड़का लगाते हैं। तो आज बिना तड़का का जेम्स बॉन्ड बनाएंगे, यानी ओरिजिनल जेम्स बॉन्ड मार्टिनी। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि कैसे जेम्स बॉन्ड मार्टिनी बनाया जाता है, तो मेरा ये वीडियो जरूर देखिए। बनाइए और ना बनाइए, कम से कम जान तो लीजिए कि क्या है जेम्स बॉन्ड मार्टिनी, क्यों इतना फेमस है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जेम्स बॉन्ड मार्टिनी के साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं कॉकटेल्स इंडिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं बनाऊंगा जेम्स बॉन्ड मार्टिनी, और ये जेम्स बॉन्ड मार्टिनी बनाने के लिए मुझे चाहिए एक बेहतरीन ग्लास, जिसका नाम है मार्टिनी ग्लास। मार्टिनी ग्लास का लुक्स ऐसा ही है, इसको कॉकटेल ग्लास भी बोला जाता है। तो मार्टिनी ग्लास पहले चाहिए आपको, साथ में आपको चाहिए जिन, बॉम्बे सफायर जिन। उसके बाद आपको चाहिए मार्टिनी, ड्राई मार्टिनी और वॉडका। मेरे पास है आज ग्रेगूस वॉडका, तो मैं ग्रेगूस वॉडका से आज ये मार्टिनी बनाऊंगा। दोस्तों, मार्टिनी यानी जेम्स बॉन्ड मार्टिनी बनाने के लिए पहले आपको मार्टिनी ग्लास को चिल्ट करना पड़ेगा। तो मैं पहले मार्टिनी ग्लास को चिल करता हूं। तो मैंने आइस पूरा डाल दिया। अभी इस ग्लास को चिल्ड करने के लिए आपको लेना पड़ेगा वाटर, ऐसे। मेरा मार्टिनी प्रिपेयर होने तक ये ग्लास चिल्ड होता रहेगा, तब तक के लिए मैं ग्लास को थोड़ा सा साइड कर देता हूं। अभी आपको एक शेकर लेना होगा। हम लोग बना रहे हैं जेम्स बॉन्ड मार्टिनी। याद रखिए दोस्तों, मार्टिनी यूजुअली बनता है जिन से। कोई कोई बोलता है वोडका मार्टिनी, ये बुलशिट है, वोडका मार्टिनी होता नहीं है। जिन का, जिन से ही मार्टिनी बनता है। और जेम्स बॉन्ड मार्टिनी बनाने के लिए वोडका ऐड करना पड़ता है। हालांकि मार्टिनी का जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें सिर्फ और सिर्फ जिन और ड्राई मार्टिनी यूज होता है। मार्टिनी जब आप ऑर्डर करेंगे तब आपको कुछ चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अब जब कोई बार में जाके मार्टिनी ऑर्डर करना चाहेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन आता है। यूजुअली आज हम लोग बना रहे हैं जेम्स बॉन्ड मार्टिनी, वो थोड़ा साइड में रखते हुए मैं आपको थोड़ा टिप देना चाहूंगा कि जब भी बार में जाइए, अगर मार्टिन ऑर्डर देना है तो बोलिए कि मार्टिन दीजिए। अब जैसे कोई बार मैन को या स्टूअर्ट को आप बोलते हैं मार्टिनी दीजिए, तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि बंदा सोचता है कि शायद आप मार्टिनी ड्राई मांग रहे हो, यानी ये मार्टिनी ड्राई है, ड्राई मार्टिनी, इसका नाम भी मार्टिनी है। कंफ्यूजन यहां से स्टार्ट होता है। आपको बोलना चाहिए कि मुझे मार्टिनी चाहिए कॉकटेल, नंबर वन। नंबर टू आपको क्या बोलना चाहिए, ये पूछ सकता है या वेटर आपको पूछ सकता है, सर वोडका और जिन। डेफिनेटली गो विथ जिन मार्टिनी, वोडका से मत जाइए, क्योंकि वोडका से मार्टिनी बनता तो है मगर उतना सुंदर बनता नहीं, ओरिजिनल बनता नहीं। नंबर थ्री पॉइंट्स क्या है कि जब भी आप मार्टिन ऑर्डर करिए तो स्पेसिफिकली मेंशन करिए कौन सा मार्टिन आपको पीना है, ड्राई, एक्स्ट्रा ड्राई, परफेक्ट। बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मार्टिनी होता है। तो दोस्तों, जब भी मार्टिनी ऑर्डर करिए स्पेसिफिकली मेंशन करिए आपको अगर ड्राई मार्टिनी चाहिए तो ड्राई मार्टिनी। आज मैं बना रहा हूँ बॉन्ड मार्टिनी, जो रेगुलर मार्टिनी से थोड़ा सा हटके है, उसका नाम है भेस्तो मार्टिनी। तो वो रेगुलर मार्टिनी नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए, मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं मार्टिनी बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मार्टिनी यानी बॉन्ड मार्टिनी बनाते हैं। पहले आप एक शेकर ले लीजिए,
उसमें आप डालिए लॉट ऑफ राइस एज यूजुअल। आइस डालने के बाद उसमें डालिए जिन, जिन टू पार्ट, यानी मेरा जो ग्लास है आज वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, डबल मार्टिनी की तरफ ग्लास है, तो मैं आज थोड़ा ज्यादा जिन लूंगा। हालांकि अब 30-30 कॉम्बिनेशन में बॉन मार्टिनी बना सकते हो, तो मैं लूंगा जिन, बॉम्बे सफायर जिन, जो मैं लूंगा ओनली 30 ml। मुझे थोड़ा सा और जगह लेना चाहिए, 45 ml ले लेता हूँ, ग्लास थोड़ा सा बड़ा है। चलिए मैं जिन ले लिया। अब वोडका इसमें ट्विस्ट है, अगर ये मार्टिनी बॉन मार्टिनी है तो इसमें वोडका जरूर और जरूर इस्तेमाल होगा। मैं वोडका लूंगा 30 ml, मेरे पास है आज ग्रे गूस वोडका जो मैं यूज करने वाला हूँ 30 ml। ऐसे हो गया। अब मुझे लेना है ड्राई मार्टिनी, एक्स्ट्रा ड्राई मार्टिनी, यहाँ पर लिखा है मार्टिनी एक्स्ट्रा ड्राई, ये मार्टिनी कंपनी का है। इसमें ये एक्चुअली है बर्माउथ एरोमेटाइज फोर्टिफाइड वाइन, जो क्लियर इन कलर, थोड़ा सा गोल्डन कलर रहता है, हल्का रहता है गोल्ड कलर, तो मैं ये डालूंगा अराउंड 30 ml बॉन्ड मार्टिनी के लिए। चलिए तो मेरा 3 इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आ चुके। अब बॉन्ड मार्टिनी का एक और खासियत है कि ये शेकिंग होता है, यानी शेकर यूज किया जाता है और इसको शेक किया जाता है। हालांकि मार्टिनी हमेशा स्टीयर्ड होता है, स्टीयर का मतलब है एक बार स्पून बारमैन आपके सामने लेगा और ऐसे करके आपको स्टीयर करेगा, उसके बाद आपको वो स्टेन करके दे देगा। ये है मार्टिनी। अगर मैं बॉन्ड मार्टिनी बनाता हूं तो मुझे शेक करना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड मार्टिनी हमेशा शेकन होता है। शेकन क्यों होता है, इसका मतलब है कि आप जब भी कोई मार्टिनी को शेक करते हो तो डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होता है आइस का, तो क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होता है और बहुत चिल्ड होता है ये मार्टिनी। डाइल्यूशन ज्यादा होने का मतलब है कि आपको उतना स्ट्रांग नहीं लगेगा ये मार्टिनी, और थोड़ा ज्यादा होगा मार्टिनी। यूजुअली जब मार्टिनी ग्लास में सर्व होता है अराउंड 90 ml के करीब रहता है पूरा मार्टिनी ग्लास में, हाफ फिल, मगर ये थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। तो चलिए दोस्तों मैं शेक करता हूं, अपने शेकर को यूज कर। ओनली 9 सेकेंड, सिर्फ 9 सेकेंड में ये आपको इतना चिल्ड दे देगा ड्रिंक्स कि आप सोचिए मत। कोई भी ड्रिंक्स को चिल्ड करना है तो ये सबसे बेहतरीन उपाय है। शेकर यूज कर लीजिए और उसके साथ आप शेक कर लीजिए, फटाफट 9 सेकेंड के अंदर शेक हो जाएगा। सोडा को मत कीजिए, तब ये मस्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों मेरा मार्टिनी ऑलमोस्ट तैयार है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो मार्टिनी ग्लास है जहां पर मैंने ऑलरेडी आइस एंड पानी लगा के रखा था, ये अब तक चिल्ड हो गया। ग्लास हमेशा चिल्ड होना चाहिए जब भी हम मार्टिनी सर्व करें। तो ये मेरा मार्टिनी ग्लास तैयार है। अब मैं मार्टिनी को पोर कर दूंगा। मार्टिनी तैयार है। अगर ये रेगुलर मार्टिनी हुआ तो बंदा क्या करेगा, ऐसे एक ऑलिव का 3 टुकड़ा लेगा, ये ऑलिव का पीस रहेगा और ऐसे वो डाल देगा अंदर में, अगर ये रेगुलर मार्टिनी हुआ तो। दोस्तों आज हम बना रहे हैं जेम्स बॉन्ड मार्टिनी, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक चीज देना पड़ेगा जो है ऑरेंज। मेरे पास एक ऑरेंज है, इसको मैं काटूंगा ऐसे। और इसका जो छिलका है वो हम लोग निकाल लेंगे यहां से ऐसे। अगर हो सके तो आप इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हल्का करके काट लीजिए, यहां से आना नहीं चाहिए ये रुआ। अब ये टुकड़ा को सुंदर शेप में काट लीजिए, इसको देखने में ठीक ठाक लगेगा। अब इसको ऐसे करके हाफ कर लीजिए,
अब इसको क्या करना है, आपको मार्टिनी के ऊपर ऐसे करके रब करना है। इसका जो ऑरेंज है ये दिखना चाहिए, या इसका जो सुगंध है ऑरेंज का, ये फ्लेवर आना चाहिए मार्टिनी में। और उसको हम लोग ऐसे करके रोल करके थोड़ा सा प्रेशर देके इसको छोड़ देंगे। तो इसमें क्या होगा, नेचुरल जो एरोमा फ्लेवर है ये इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों मेरा बॉन मार्टिनी तैयार है, सिंपल है बनाना, मगर सही होना चाहिए, सही ढंग से बनना चाहिए। तो मेरा ये मार्टिनी तैयार है, आप घर में ट्राई करो या ना करो ये आपका मर्जी, मगर ये जान लीजिए कि बॉन मार्टिनी बना कैसे। ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा ऑब्वियसली, जब भी कोई बार में जाइए तो ऑब्वियसली मेरा ये वीडियो में जैसे मैंने दिखाया वैसे ही फोर्स करिए बनाने को, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट वे टू मेक बॉन्ड मार्टिनी, जेम्स बॉन्ड मार्टिनी और वेस्पर मार्टिनी। तो दोस्तों एज यूजुअल मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अब तक मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो नहीं किया है प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही बहुत कॉकटेल्स आइस टी ऐसा बहुत कुछ बनाता रहता हूँ, साथ साथ विस्की राम जीन वोडका के ऊपर भी मैं इन्फॉर्मेशन दिया करता हूँ। तो दोस्तों अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।